मैं उठा हूँ और मैंने अपना कमरा देखा है, पूरा बदल दिया मेरी मम्मा ने। इधर मेरा बेड हुआ करता था, बेड कहाँ गया? आई हैव नो आइडिया। और इस मैडम की हरकतें देखो, ये क्या हो गया है? मैंने अपनी अम्मी को बोला था कि देखें कुछ भी हो जाए मेरा कमरा आपने नहीं छेड़ना, ठीक है? वो जैसा है उसको वैसा रहने दो, पर नहीं सुनी गई मेरी और मेरे कमरे का तहस नहस कर दिया। और अब मेरे पास सोफ़ा है, और एक मसला ये है, जब तक मेरे पास बेड था तो मेरे पास इस गेम को खेलने के लिए पीछे बैक सपोर्ट हुआ करती थी, वो भी नहीं रही। तस्नीम खान, क्या हरकत है यार? अभी सेटिंग नहीं हुई, होने दे। पहले सेटिंग होने दो, अभी ये मैं तुम्हारा कमरा ऐसा जबरदस्त पप्पू सा तैयार करूंगी। अभी मैं थक गई थी यार, मैं तुम्हारे कमरे में इस वजह से सोता था कि तुम्हें डर लगता था, इसका ये मतलब ही था मेरा बेड ही निकाल दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डर तो मुझे सारी जिंदगी लगता है, जब तक मैं अकेली हूँ तू मेरे साथ है, जब तक तेरी जनानी नहीं आती तू मेरे साथ है, मजबूरी का नाम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, जन्नत भी तो पा रहे हो। तुम्हारा कमरा अभी सेट नहीं है, ये मैं सेट करूंगी अभी, इसमें मैं इतना बड़ा झूला लगाऊंगी, तू देख तो सही। मेरे कमरे में क्यों? तो और किधर लगाओ? तो मेरे कमरे में क्यों, अपने कमरे में लगाओ कहीं पे। अच्छा चलो ठीक है, मैं मेरा कमरा जी कमरे की वो ही बदल दी। अभी तुमने अभी कमरा छोड़ दो, तो अभी लोगों को मत दिखाओ, अभी हमें इसको वो क्या होता है वो चादर ऊपर डाल के चेक कराना होता है, क्या कहते होते हैं नई गाड़ी लें तो रिवील। यस यस, अभी रिवील नहीं कराओ। ओके अभी आप सबर करें, इसको मैं रिवील कराऊंगी कमरे को, फिर आप दिखाना, अभी वहाँ मत दिखाएं। वैसे भी आप इतने गंदे लोग हैं दोनों भाई, बस वो गंदगी दिखाया करो, वो गंदगी दिखाया करो। खैर गाइस, इन द एंड कमरा मेरा पूरा तहस नहस कर दिया इन्होंने, मैंने पता नहीं क्या। अब अच्छा कमरे की वाइब देखो, और ये मैडम कह रही है मैं यहाँ पे झूला लगाऊंगी। अबे क्या हो गया, ड्राइंग रूम नहीं है मेरा कमरा है ये। खैर मैंने कुछ चीजें छुपाई भी होती थी बेड के पीछे, बेड ही बेड ही डर गया। अपना बाकी यार मैं मुझे पता ही नहीं है, मैं सो रहा हूँ मेरा कमरा तहस नहस हो गया। खैर क्या कर सकते हैं, ये देखो इनको, इन डोंगरों को देखो। हेलो मे बेटी, दोनों लेडीज आपस में शांत जाओ। मेरा गौरी, मेरा गौरी बच्चा कैसा है? गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग। खैर अभी आई गेस शादी शूट पे है, एक सेकंड ये अम्मा के सामने मैं बात करूँगा ताकि खामोशी से हम। वो देखो एक वो पड़ा हुआ है, ये आधी का कमरा है बेसिकली, ये करती ना मेरा कमरा क्यों कर दिया? ये घड़ी की चाबी का आओ शुगर लगाए एक और। खैर अभी हम उठे हैं, जरा फ्रेश फ्रूश हो जाएं, फिर आज के दिन की एक्टिविटीज कुछ निकालते हैं। मुझे ले जाओ और बाजार तक जाना है, मैंने कहाँ जाना है? वो वहाँ पे है एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। अच्छा चले, नहीं मैं आदि के पास जा रहा हूँ। चलो जाओ फिर, पैदल हमें गाड़ी लेके जा रही है, मैं वापस आऊंगा फिर चलते हैं। समीर बिल्कुल दिमाग का दही नहीं करना। हाँ ना, मैं वापस बिल्कुल नहीं चलते जी, नहीं ठीक है ना? कोई ठीक है नहीं है, नहीं अभी बस फ्रेश होते हैं, फिर दिमाग पर चलते हैं। खैर यार अभी भूख लग रही है, थोड़ा नाश्ते का कोई इंतजाम करते हैं। लेट्स मेक नाश्ता अपना, हमें चाहिए ये टॉर्टियास। रुक जाओ मैं बताता हूँ मैं क्या बनाने लगा हूँ, इसको रख के आते हैं पहले। ना यार एक ही दफा सामान निकालते हैं। अच्छा we need this, we need this nail और फिर एमओ निकालेंगे। हाँ इसको हम बनाते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो आपकी टोटियाज है ना, उसको आप तवे पे रख के सेको फुल,
ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, इसको थोड़ा थोड़ी देर से थोड़ा सा ज़्यादा सेकना है। जब तक हमारा चिकन थोड़ा सा पकता है तब तक हम ये कॉर्न चटनी डाल लेते हैं। ये आटा तो बड़ा ईजी सीन है इसका, ये डालें ठीक है। सिंपल एंड स्मार्ट ओवन यस। अच्छा ये तो जल्दी से सॉस बना लेते हैं। वी नीड स्पाइसी में और थाउजेंड आइलैंड केचप, बारबेक्यू और पेरी पेरी, बस और कुछ नहीं। अच्छा जी इसके ऊपर हमने चीज़ डाल दिया, अब हम इसको खुद ही मेल्ट होने देंगे। आपको अभी हम इसमें सॉस बना रहे हैं, अभी चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी इसके ऊपर। अच्छा जी तो हमारे बरीटो और रैप्स वगैरह बन गए हैं, अम्मी का मन को दिया ये मेरा है, अब उसको ज़रा खा के देखते हैं। क्या करो लास्ट बाइट रह गई है। चलो जी अब कुछ पीते हैं। आटो अपने गद्दा ऊपर गिर गया, बचे। अब लेट्स ड्रिंक सम जूस। सही है, एक अम्मी को देख के आते हैं। ओए ओह मजा ही आ गया। अच्छा जी अब थोड़ी देर करते हैं आराम और फिर चलते हैं, यार आज काम शाम है, देख के आते हैं क्या है। A few moments later. चलो जी आधी बात चलते। आप किधर रास्ते में हो? आप बाहर नहीं जाओगे? आपने बाहर नहीं जाना ओके? आप घर पे बैठो, जाओ आप अंदर जाओ, चलो चलो मेरा बैटमैन। चलो यार चलिए। अच्छा जी आधी के पास चलते हैं और वहाँ पे आपको मैं एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाता हूँ। हमारा तरीका तो आपको पता है। हाँ जी तो ये हमारा तरीका, अपना गाड़ी ये रही बस आदि के पास चलते हैं। लेट्स गो। जी आदि की शूट हमारे घर से तकरीबन कोई पाँच मिनट दूर है और अभी बस वहाँ पहुँचते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं वहाँ जाके। उधर से भी गाड़ियां आ गई, पहले मैं जाऊंगा वहां की आंसर की। हम शो पे पहुंच गए हैं। अबे भाई अस्सलामु अलैकुम। कमाल भाई क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है तो आप एंट्री दे रहे हैं आप व्लॉग में? मैं आज फारिग था, शूट नहीं था, मैंने बोला चलो थोड़ी देर सेट पे चले जाते हैं भाई की। और सुनाए सब खैरियत? सब खैर, आप ठीक हैं? कैसे लग रहा है आपको हमारे सेट पे आके? अभी तो उठे हैं, उठते साथ ही आ गया मैं। ओह गुड, मैं बोला चलो आज भाई का सेट। मेरा बताया कि हम कौन हूं मैं, क्या मैं बेसिकली, एक सेकंड, मैं जब इतना सा था ना, इससे भी छोटा था, तो मैंने इनके साथ प्रोजेक्ट किया था कश्मीर में, मासूम। हाँ अभी भी है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। तो वो लाइक हमने कितने महीने अराउंड वहाँ पे तो एक महीना और कराची में हम तक में फोर्थ कराची में, लेकिन एक महीना हमने पूरा कश्मीर में गुजारा था। इतना मजा आया था उस सेट पे, बहुत मजे का। गोद में उठ के जाते थे सेट पे, ये भी बताओ। मैं गोद में उठ के और मैं जिस दिन मैं ना उठूँ ना कश्मीर के अंदर, आबिद बशीर दंदा पे उठ जा भाई काम करना है आज, मैं कह अभी बस अंदर चलते हैं और देखते हैं सीन हो रहा है। नहीं अभी कट है, आपको फिर देखो ठीक हो गया। मैं देखता हूँ, आओ जी अंदर चलिए। जिस दिन आपकी शूट ना हो ना और उस दिन आप दूसरी शूट पे जाओ तो मज़ा ही अलग होता है। अस्सलामुअलैकुम क्या हाल है? ठीक है देखो कैसे हैं भाई।
हेलो मॉली, हैंडशेक। अरे मॉली हैंडशेक, अरे मॉली हैंडशेक, मॉली मॉली हैंडशेक, मॉली हैंडशेक, हैंडशेक, हैंडशेक भाई। नो हैंडशेक, नो हैंडशेक, नो हैंडशेक। जी मेरा मॉली कैच कर रही थी। बेसिकली शी इज 14 इयर्स ओल्ड, तो शी इज बुड्डी अम्मा ऑफ डॉगीज। Later. तो जी अभी हम घर जाते हैं क्योंकि हम एक और काम सा है। कॉफ़ी अजीब ना बर्फ थी, जब हॉट कॉफ़ी ऑर्डर की तो वो कप्स नहीं फ्री थे, तो मैंने कहा यार भाई मैं घर जा रहा हूँ, मैं नाराज़ हो गया। अभी मैं बाहर से जाके कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगा और इस भाई को मैं स्नैप भेजूँगा। अच्छा जी अभी हम शूट से निकलने वाले हैं और मैं पूरे रास्ते व्लॉग नहीं बनाऊँगा क्योंकि मैं गाने सुनते हुए जाऊँगा फुल वाइब करते हुए। अभी वाटर शॉटर पी लेते हैं थोड़ा सा और फिर यहाँ से फौरन निकलते हैं। अब ये देख रहे होंगे लाल कलर की गाड़ी, ये एक प्रोजेक्ट है जो हमारे मार भाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यूज़ ही कर रहे हैं इसको। अब पहले उन्होंने बोला टूजे करते हैं, ना यूज़ी, सिर्फ यूज़ी है, यूज़ी नॉन VVTI। और फिर रोडें होंगी और चीखें होंगी। समी खान आधी रात को लेके यहाँ से भाग जाया करेगा और टोटल करके ले आएगा गाड़ी। नहीं टोटल नहीं होगी यार। घर आ गए हैं, अभी ऊपर जाते हैं, देखते हैं शायद अभी ने कहीं जाना तो उनसे पूछते हैं जाना है या नहीं, अगर जाना है तो फिर वापस निकलना पड़ेगा, पर सकते हैं अभी। अच्छा जी तो अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने अभी दो तीन गेमिंग चेयर्स देखी हैं, अभी देखते हैं कोई फाइनलाइज करते हैं फिर जाके लेके आते हैं। यार कमरे में रखे बुरा लग रहा है, देखो मैंने झूला भी रख दिया मैं वापस आया हूँ। तो बाकी ये सामान मैं सारा ये साफ़ करता हूँ, सोफ़ा ये वाला यहीं रहने देते हैं, ऐसा लगाते हैं कि जुगाड़। मैंने बोला यहीं रहने, तो यहाँ पर सिंगल बेड डाल देते हैं, लेकिन नहीं सुनी नहीं है। खैर लेट्स सी, गेमिंग चेयर्स देखी दो तीन, अभी जाके फिर कोई एक हाथ लेके आते हैं। अच्छा जी जो दो तीन गेमिंग चेयर्स हमने देखी थी नहीं समझ आई मुझे, ठीक है। बाकी अपना अभी लगाना है, इस कमरे का जुगाड़ भी करना है। आप लोगों को भी अब मैं ये सीरीज स्टार्ट होगी अनफॉर्चुनेटली, तो आप लोगों को भी मैं दिखाता रहूँगा क्या सीन है। बाकी यार व्लॉगो करो मैं यहाँ पर एंड, और अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि अब जब जो भी मैं ब्लॉग डालूँ नोटिफिकेशन तुम लोगों तक पहुँचती रहे। और अपना बस कमरे की हालत ये फुल, ये झूला भी आ गया। खैर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ब्लॉग करते हैं एंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो, बस अल्लाह हाफिज़।